एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा गुरु दीवा गुरुदेवता गुरु से बड़ा न को गुरु के भीतर निरंकार का चांद न झिल मिल हो धर्म मंगलम उत्कृष्टम अहिंसा संयम तपः देवा अपि तं नमस्यन्ते यस्य धर्मे सदा मनः धर्म जगत में प्रधान है जो मनुष्य धर्म का आचरण करते हैं देवगण भी उनको नमन करते हैं उनकी वंदना करते हैं। सत्य अहिंसा और संयम ये धर्म के लक्षण कहे गए हैं। हो तेरे चरणों की ज्योत में मेरा तेरे चरणों की ज्योत में मेरा जीव हंस समावे तेरे चरणों की ज्योत में मेरा जीव हंस समावे सतगुरुदेव आशीष मेरा सुहाग अमर हो जावे सतगुरुदेव आशीष मेरा सुहाग अमर हो जावे तेरे चरणों की ज्योत में मेरा चरणों की ज्योत में मेरा तेरे चरणों की ज्योत में मेरा तेरे चरणों की ज्योत में मेरा जीव हंस समावे तेरे चरणों की ज्योत में मेरा जीव हंस समावे सतगुरुदेव आशीष मेरा सुहाग अमर हो जावे सतगुरुदेव आशीष मेरा सुहाग अमर हो जावे सुख तो सच्चा
तेरा नाम सच्चा, इब तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, इब तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, इब तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सुहाग इस जीव आत्मा का, सुहाग इसका राखण हार, वो अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा है, जो सतगुरु की कृपा से इस आत्मा को प्राप्त होता है। और सतगुरु पुण्य करने से प्राप्त होते हैं। जीव के जब पुण्य प्रबल हो जाते हैं, तब सतगुरु का दर्शन मिलता है। और जब सतगुरु का दर्शन मिलता है, तब उस सच्चे साहिब पार ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन और मिलन इस आत्मा से होता है। तेरे चरणों की जोत में मेरा, तेरे चरणों की जोत में मेरा, सतगुरु आशीष मेरा, सुहाग अमर हो जाए। सतगुरु आशीष मेरा, सुहाग अमर हो जाए। जन कब टूट जावे, ये तन तो है ठीक, जन कब टूट जावे, ये तन तो है ठीक, जन कब टूट जावे, कब टूट जावे, ये तन तो है ठीक रे, ये तन तो है ठीक रे,
मन जब छूट जावे सतगुर के आशीष मेरा सुहाग अमर हो जावे सतगुर के आशीष मेरा सुहाग अमर हो जावे जोत में मेरा तेरे चरणों की जोत में मेरा जीव हंस समावे तेरे चरणों की जोत में मेरा जीव हंस समावे सतगुर के आशीष मेरा सुहाग अमर हो जावे सतगुरु देव आशीष मेरा सुहाग अमर हो जावे जीव आत्मा बारंबार हर बार जन्म धारण करती है, शरीर धारण करती है, मनुष्य का जन्म भी मिलता है, तो जन्म के साथ साथ अनेक कष्ट दुख तकलीफ अज्ञान राग द्वेष मोह माया अज्ञान का अंधकार भी जन्म के साथ ही इस जीव को प्राप्त होता है। जन्म मिले और ज्ञान भी मिले, जन्म मिले और सत्य का दर्शन भी मिले, जन्म मिले और सतगुरु भी मिले, जन्म मिले और अविनाशी परम ब्रह्म भी मिले, जन्म मिले और धर्म बुद्धि भी मिले, ये अति दुर्लभ है। इस जीव आत्मा का स्वभाव, मन का स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव संसार की तरफ को बहता रहता है। संसार से, संसार की इच्छाओं से ये हृदय कभी तृप्त नहीं होता। समुद्र में जैसे लहर पटार उठती रहती है, इसी प्रकार मनुष्य के हृदय में कभी भी समाप्त न होने वाली इच्छाएं अभिलाषाएं उठती रहती हैं। मनुष्य का जन्म मिले और उस परम आत्मा परम पुरख उस सनातन पुरुष से मिलने की तीव्र इच्छा भी उठे, ऐसी
तीव्र पटार जो इस आत्मा को शरीर संसार और बंधनों से परे ले जाके उस अनंत से मिला दे, ये दुर्लभ है। जब सतगुरु मिले तब इसको परमार्थ का रास्ता मिलता है। रास्ता भी मिला और वो रास्ता पूरा हो जावे, मंजिल तक ये जीव पहुंच जावे, आत्मा पहुंच जावे, ये सहज नहीं आसान नहीं, क्योंकि हजारों जन्म के रखे हुए दुष्कर्म उनके फल भी इस जीव आत्मा को भुगतने पड़ते हैं। किंतु फिर भी सतगुरु दयाल अपनी मेहर से कृपा करके दया करके इसके कर्मों का भुगतान करा के अपनी मेहर से इसके कर्मों के बंधनों को ढीला करके इस आत्मा को परम पद तक पहुंचाते हैं। सतगुरु के चरणों में प्रीत यानी प्यार और प्रतीत यानी विश्वास जिनका पूर्ण है, वे अवश्य एक ही जन्म में उस सनातन पुरुष उस परमेश्वर का दर्शन पाएंगे, उसकी ज्योति में जाके मिलेंगे। तेरे चरणों की ज्योत में मेरा, तेरे चरणों की ज्योत में मेरा, जीव हंस समावे, तेरे चरणों की ज्योत में मेरा, जीव हंस समावे। सतगुरु दे आशीष मेरा, सुहाग अमर हो जावे, सतगुरु दे आशीष मेरा, सुहाग अमर हो जावे। सब छूट जावे, सतगुरु ते आशीष मेरा, सुहाग अमर हो जावे। जेतन तो है उस का मोती, जेतन तो है उस का मोती, जन कब फूट जावे,
सतगुरु प्रेम आशीष मेरा सुहाग अमर हो जावे। सतगुरु देव आशीष मेरा सुहाग अमर हो जावे। संतों की परंपरा में सहजोबाई मीराबाई महिलाएं संत भी हुई हैं। दूसरे देशों में भी परमेश्वर के राह में जाने वाली सच्ची आत्मा हुई है। उन्हीं में एक थी राबिया। रात दिन परमेश्वर की आराधना में लगे रहते। राबिया कहती है, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे आत्मा के स्वामी, तूने मेरे हिस्से में मेरे नसीब में अगर दुनिया की दौलत लिखी हो तो वो दौलत अपने दुश्मनों को अता कर, मेरे दुश्मनों को नहीं अपने दुश्मनों को, क्योंकि मेरा तो कोई दुश्मन नहीं, तेरा विरोध करने वाले बहुत हैं। संसार में तेरा इनकार करने वाले बहुत हैं। दुनिया में तेरी आज्ञा को न मानने वाले बहुत हैं। ऐ मेरे परमात्मा, मेरे हिस्से की दुनिया भी दौलत तू अपने दुश्मनों को दे, क्योंकि दुनिया में पड़ा हुआ इंसान तुझ तक नहीं पहुंच पाता। और मेरे नसीब में तूने जन्नत लिखी हो, स्वर्ग लिखा हो, तो वो स्वर्ग अपने दोस्तों को अता कर, तेरे दोस्त वो है जो रात दिन तेरा नाम लेते हैं, जो तेरी मोहब्बत में रात दिन दुनिया के सितम सहते हैं, दुख उठाते हैं। न मुझे दुनिया की दौलत चाहिए, न मुझे स्वर्ग चाहिए। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परमेश्वर, अगर मैं नरक के डर से, नरक के भय से तेरी पूजा करूं तो बेशक तू मुझे नरक में जलाना, और
अगर मैं तुझसे सुख मांगूं या सुख के लालच में तेरी आराधना करूं, तो बेशक मेरे जीवन से, मेरी जिंदगी से हर एक सुख को तू छीन लेना। बस तुझसे मेरी एक प्रार्थना है, मेरी आत्मा से तेरी छवि कभी जुदा न हो, तेरी रोशनी मेरी आत्मा तक आती रहे, जैसे सूरज की रोशनी चंद्रमा तक जाती है और उसको प्रकाशवान करती है। इस तरह से तेरी रोशनी मेरी आत्मा को चंद्रमा की तरह चमकाए रहे, तेरी सुगंध मुझे महकाए रहे। तेरे चरणों की जोत में मेरा, तेरे चरणों की जोत में मेरा, जीव हंस समावे। तेरे चरणों की जोत में मेरा, जीव हंस समावे। सतगुरु के आशीष मेरा सुहाग अमर हो जावे, सतगुरु के आशीष मेरा सुहाग अमर हो जावे। ओ तेरे चरणों की जोत में मेरा, तेरे चरणों की जोत में मेरा, जीव हंस समावे। तेरे चरणों की जोत में मेरा, जीव हंस समावे। सतगुरु तेरे आशीष मेरा सुहाग अमर हो जावे, सतगुरु तेरे आशीष मेरा सुहाग अमर हो जावे। महिला संतों की श्रेणी में सहजोबाई, सहजोबाई चरणदास जी के शिष्या थे। विवाह का समय आया, मां सहजोबाई का सिर गूंद रही है, क्या कहते हैं, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वे बीस, इस संसार में नहीं रहना, शत प्रतिशत ये निश्चय है कि इस दुनिया को छोड़ के एक दिन जरूर जाना है। चलना है रहना नहीं, चलना पिसवे पीस, सहजो सनिक सुहाग पे तू कहां गुंदावे सीस, आज तू
तू सुहागन होगी, कल के दिन को विधवा हो जावेगी। आज जो जीवित है वो कल को जीवित ना रहेगा। तू उस अविनाशी सच्चे सुहाग की कामना कर। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, तुम दाते ठाकर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। जिह्वा एक कवन गुन कहिए बेसुमार बेअंत स्वामी। तेरा अंत न किन ही लहिए बेसुमार बेअंत स्वामी। मेरी जीभ जो अशुद्ध है संसार में, वाणी मन आत्मा अशुद्ध हो गई है। हे मेरे परमेश्वर, इस अशुद्ध आत्मा से मैं तेरी स्तुति कैसे करूं? तेरे गुणों का बखान करने में मेरी जिभ्या असमर्थ है। जिह्वा एक कवन गुन कहिए बेसुमार बेअंत स्वामी। तेरा अंत न किन ही लही है बेसुमार बेअंत स्वामी। हे बेसुमार, हे बेअंत, हे अनंत परमात्मा, मेरी आत्मा के स्वामी, कोई भी तेरे अंत को जान नहीं सकता। तुम दाते ठाकर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। निमुख निमुख तुम्हें ही प्रतिपाल हो हम बारक तुम्हारे दारे। तुम हमारे रक्षक हो प्रतिपाल हो हमारे पालनहार हो। तुम ही इस जगत में और अगले संसार में हमारे प्राण पति हो। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले। राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले। मुझको अपनी मेहर अपनी रहमत की चादर की ओट में करके रखना। मुझ में न भक्ति है न ज्ञान है न वैराग है न विवेक है न सुमरण है न सेवा है, एक बस तुम्हारा आसरा है। तेरे चरणों की ज्योत में मेरा, तेरे चरणों की ज्योत में मेरा। चरणदास जी ने कहा सहजो बाई को, चलना है रहना नहीं चलना पिछले बीस। इस संसार को शत प्रतिशत छोड़ के जाना है। सहजो सनिक सुहाग पे तू कहां गुंदावे शीस। सहजो बाई ने वही माँ का हाथ रोक दिया। बस अरे बस रहने दे, बस हो गया मेरा सिंगार। मुझे संसार में ऐसा पति नहीं चाहिए, ऐसा संसार नहीं चाहिए, ऐसा सुख नहीं चाहिए, ऐसा घर नहीं चाहिए जो बन के बिगड़ता हो। मैं उस सच्चे सृजनहार से अपने मन को लगाऊंगी। ये तन काल से टूटा पड़ता, ये तन काल से टूटा पड़ता, कहीं का कहीं उड़ जावे। ये तन काल से टूटा पड़ता, कहीं का कहीं उड़ जावे। ये तन काल से टूटा पड़ता, ये तन काल से टूटा पड़ता, कहीं का कहीं उड़ जावे। ये तन काल से टूटा पड़ता, कहीं का कहीं उड़ जावे। अशीष मेरा सुहाग अमर जावे। सतगुरु देव अशीष मेरा।
सुहाग अमर हो जावे। ओ ये तन डाल से टूटा पत्ता, ये तन डाल से टूटा पत्ता, कहीं तो कहीं उड़ जावे। ये तन डाल से टूटा पत्ता, कहीं का कहीं उड़ जावे। शत्रु को आशीष मेरा सुहाग अमर हो जावे। सतगुरु दियो आशीष मेरा सुहाग अमर हो जावे। चरणों की चोट मेरा, चरणों की चोट मेरा, गुरु वो हंस समावे। चरणों की चोट मेरा, जीव हंस समावे। शत्रु को आशीष मेरा सुहाग अमर हो जावे। सतगुरु दियो आशीष मेरा सुहाग अमर हो जावे। निस्तुम शोर मचावे, ये तन काला कौआ बन का निस्तुम शोर मचावे। ये तन काला कौआ बन का निस्तुम शोर मचावे, चंद्र कच्ची कंद उत्काणा ए, तेरे चरणों की जोत में मेरा जीव हंस समावे। तेरे चरणों की जोत में मेरा जीव हंस समावे। सतगुरु आशीष मेरा सुहाग अमर हो जावे। सतगुरु आशीष मेरा सुहाग अमर हो जावे।
ये तन मेरा झाड़ कटीला, ये तन मेरा झाड़ कटीला, आग लगे जल जाए, ये तन मेरा झाड़ कटीला, आग लगे जल जाए, ये तन मेरा झाड़ कटीला, ये तन मेरा झाड़ कटीला, आग लगे जल जावे, ये तन मेरा झाड़ कटीला, आग लगे जल जावे, तेरे चरणों की ज्योत में मेरा, तेरे चरणों की ज्योत में मेरा, जीव हंस समावे, तेरे चरणों की ज्योत में मेरा, जीव हंस समावे, सतगुरु के आशीष मेरा सुहाग अमर हो जावे, सतगुरु देव आशीष मेरा सुहाग अमर हो जावे। ये तन मेरा मट्टी का डेला, पानी में गल जावे, ये तन मेरा मट्टी का डेला, पानी में गल जावे, ये तन मेरा फूल बनका, ये तन मेरा फूल बनका, कब भी मुरझा जावे, ये तन मेरा फूल बनका, कब भी मुरझा जावे, तेरे चरणों की ज्योत में मेरा, तेरे चरणों की ज्योत में मेरा, जीव हंस समावे, चरणों की ज्योत में मेरा, जीव हंस समावे, सतगुरु देव आशीष मेरा सुहाग अमर हो जावे, सतगुरु देव आशीष मेरा सुहाग अमर हो जावे।
पंछी ये धन तो परदेसी पंछी उड़ा हाथ नहीं आवे ये धन तो परदेसी पंछी उड़ा हाथ नहीं आवे हार जले जो लाकड़ी केस जले जो घास सब जग जलता देख के हुए कबीर उदास और हमें ध्यान आ रहा है आज के इस दिन का 5 मई परलोक से जो संबंधित है आज के ही दिन मृत्यु के देवता भगवान यमराज हमें परलोक में ले गए थे हमारा शरीर यहीं मृतक पड़ा था और आत्मा से हम इस संसार को और दूसरे संसार को देखते थे वे हमें स्वर्ग में नरक में देवताओं के कितने ही लोकों में ले गए देवताओं ने वहां परलोक को सजाया हुआ था वे उत्सव मना रहे थे उन्हें इस बात की प्रसन्नता थी कि कोई जीवित व्यक्ति संसार से आता है क्योंकि यहां से जो भी जाते हैं मरने के बाद ही जाते हैं और वहां की सूचना लेके कोई नहीं आता मृत्यु के देवता यमराज उन्होंने हमें दिखाया जितने भी देवी देवता हैं वे सब उस परम ब्रह्म परमेश्वर की आराधना करते थे पाप आत्माएं शराब पीने वाले मांस खाने वाले संसार में पापाचार करने वाले नरक में जलते थे पार ब्रह्म परमेश्वर के अनंत प्रकाश में आकाश को भी हमने देखा जहां एक ही आवाज सुनाई देती थी एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा हे परमेश्वर तू सच्चा है तेरा नाम सच्चा है इस तरह से कितनी ही रूहें कितनी ही आत्माएं कितने ही देवता उस परम ब्रह्म की स्तुति करते थे परमेश्वर के आकाश से आवाज आई कि दुनिया में जाके उस एक अविनाशी परमात्मा की आराधना जारी कराओ जो लोग भटके हुए हैं उन्हें परमेश्वर के मार्ग की तरफ को बुलाओ बहुत से लोग हैं जो सत्य के मार्ग में आएंगे और बहुत से लोग हैं जो इस मार्ग में नहीं आएंगे पवित्र आत्मा वाले स्वयं ही चल के तुम्हारे निकट पहुंचेंगे वो दिन हमारी स्मृति में बना रहता है और हमें इस बात का एहसास बना रहता है कि संसार रूपी तीरथ में थोड़े समय के लिए हम विचरण कर रहे हैं इस दुनिया में थोड़े समय के लिए हमें एक दूसरे से कैसा आचरण करना चाहिए सफर में एक इंसान को दूसरे इंसान से कैसा सलूक करना चाहिए इस बात का
हमें ख्याल रहे। अगर हम दूसरों के दुख दर्द का ख्याल रखें तो वो मालिक हमारा ख्याल रखेगा। हम उसे याद करें तो वो हमें याद करेगा। दुनिया में हम उसका जिक्र करेंगे तो वो फरिश्तों और देवगणों की सभा में हमारा जिक्र करेगा। पैगंबर ईसा, उनका जब आखिरी वक्त आया, उनके शिष्य बोले कि आपने हमें बहुत से उपदेश दिए हैं, हम चाहते हैं आप हमें ऐसा उपदेश करो कि जिसे हम भूल न जावें। हम आपके उपदेशों को याद नहीं रख पाते, कितने ही धर्म वचन हमने सुने हैं मगर वे हमें याद नहीं है। पैगंबर ईसा बोले ठीक है, आज जो मैं तुम्हें उपदेश दूंगा उसे तुम नहीं भूलोगे। ईसा उठे, एक बर्तन में जल लाए, बोले अपने पैर आगे करो जिससे मैं तुम्हारे पैरों को धुलूं। चेलों ने कहा ऐसा जुल्म क्यों करते हो, तुम हमारे गुरु हो, हमारे आदरणीय हो, हमारे पूज्य हो, हमने आज तक तुम्हारे चरणों की सेवा की है, ये उल्टा काम क्यों करते हो। कहा तुम्हें उपदेश देता हूं, लाओ अपने पैर आगे करो जिससे मैं तुम्हारी आत्मा में छाए हुए पाप को धुल दूं। कुछ ने कहा हमें तो नरक में जाना पड़ेगा, दोजख में जलना पड़ेगा अगर गुरु से पैर धुलवाएं। बोले अगर तुम्हारे भीतर पाप रह गया तो तुम्हें बेशक दोजख में जलना पड़ेगा। लाओ अपने पैर आगे करो, जो मेरे वचन को मानता है वो मेरा है। ईसा मसीह ने उनके पैर धुले, फिर अपने आसन पे आके बैठ गए। बोले सुनो, मैंने गुरु हो के तुम्हारे पैर धुले, स्वामी हो के मैंने अपने सेवकों से विनम्रता प्यार का सलूक किया। अब तुम अपने दिल में सोचो कि तुम्हें दुनिया में मेरे बाद कैसा सलूक दूसरों से करना है। ये मैं तुम्हें उपदेश देता हूं कि किसी को गिरा हुआ ना समझना, किसी को निम्न और नीच न कहना, अपनी आंख में पड़े हुए लट्ठे को निकाल दूसरों की आंख का तिनका न देख, अर्थात पहले अपनी बुराइयों को दूर करो फिर दूसरों की बुराइयों को दूर करने की कोशिश करना। तेरे चरणों की जोत में मेरा, तेरे चरणों की जोत में मेरा, जीव हंस समावे, तेरे चरणों की जोत में मेरा, जीव हंस समावे। सतगुरु देव आशीष मेरा, सुहाग अमर हो जावे, सतगुरु देव आशीष मेरा, सुहाग अमर हो जावे। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, ये तन तो पर
देसी पंछी ये सन तो पर देसी पंछी उड़ा हाथ नहीं आवे ये सन तो पर देसी पंछी उड़ा हाथ ना आवे वाले बाबा तुम बिन फूल संदे वाले बाबा तुम बिन कोई नजीर बंधावे फूल संदे वाले बाबा तुम बिन कोई नजीर बंधावे तेरे चरणों की जोत में मेरा तेरे चरणों की जोत में मेरा जीव हंस समावे तेरे चरणों की जोत में मेरा जीव हंस समावे सतगुरु के आशीष मेरा सुहाग अमर हो जावे सतगुरु दे आशीष मेरा सुहाग अमर हो जावे तेरे चरणों की जोत में मेरा तेरे चरणों की